चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से आपको अगली अपडेट बता रहे हैं, जहां पर हेली सेवाओं के विस्तार को लेकर कवायद की जा रही है। गोचर, जोशीला, जोशियाडा के लिए हेली सेवा शुरू होने जा रही है। 15 नवंबर से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब हेली सेवाओं के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। हेली सेवा का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है लगातार, और अब जानकारी मिल रही है कि गोचर, जोशीला और जोशियाडा के लिए भी हेली सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है 15 नवंबर से। और विस्तार से बताएंगे स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सोनू, हेली सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ही इसकी घोषणा की थी कि जो चमोली का गोचर है उसको और जो उत्तरकांशी का जोशियाड़ा है, इन दोनों क्षेत्रों को स्थानीय स्तरीय हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। और लगातार सरकार के मुखिया ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, खास तौर से मानसून सीजन के दौरान और आपदा जैसे हालात की चुनौतियों से निपटने के लिए जो हवाई सेवाएं हैं इनका विस्तारीकरण किया जाए। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की हवाई सेवाएं हैं इनके विस्तारीकरण पर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही साथ जहां पर केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की एनओसी की आवश्यकता है और सहयोग की आवश्यकता है, वहां पर भी प्रस्ताव उसके भी भेजे जा रहे हैं। देहरादून के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देना, इसके अलावा जो देहरादून है उसको कुमाऊं क्षेत्र की अल्मोड़ा और इसके अलावा पंतनगर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बेहतर करना, इसके साथ साथ जो गढ़वाल क्षेत्र है, चमोली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, इन क्षेत्रों की हवाई सेवाओं का विस्तारीकरण कैसे किया जा सकता है, एक के बाद एक प्रस्ताव तैयार कर उसको धरातल पर उतारा जा रहा है और उस पर अमल करने के बाद फिर अगली योजना पर कार्य शुरू कर दिया जा रहा है। तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जरूरत के समय पर हवाई सेवाओं का उपयोग किया जा सके। इससे जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं जो निजी सेक्टर के लोग हैं जो हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण में अपना सहयोग दे रहे हैं, अपने भूमि को उपयोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा। निश्चित रूप से गोचर, जोशीला और जोशियाडा में भी हेली सेवा शुरू होने जा रही है 15 नवंबर से। स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए।